हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग का स्वागत है मुमताज लाइफ में। तो आज देखिए हमारे घर पे कितने सारे लोग आए हैं ना, कितने बच्चे हैं ना, बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने बहुत दिन से ब्लॉग भी नहीं बनाया था, कुछ कुछ ऐसा था ही नहीं जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। तो आज बच्चे आए हैं बहुत सारे, बहू रानी लोग भी आई हुई है, तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह से सब लोग अगर आते हैं। तो शाम नहीं, 4-5 बज रहा था तो आए हुए थे सब लोग। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं इस पल को कैप्चर कर लूँ अपने मोबाइल में और आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो वही बच्चे आए हैं, बहुत मस्ती कर रहे थे बहुत, और कितने उधंग मचा के रखते हैं ना। आप लोग आगे ब्लॉग में देखिएगा किस तरह से इन लोग करते हैं। और सब लोग बैठ के हम लोग बातें वगैरह कर रहे थे और आगे चाय पानी नाश्ता ये सब भी करवाए हैं। तो क्या क्या करवाए हैं क्या ये नहीं, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और देखिए। और बहुत अच्छा लगने वाला है आप लोग को ये ब्लॉग। तो यहाँ पे दादाजी आ गए हैं बात करने के लिए। जी हमको एक आईफोन किन दे, एक बड़ी वीडियो बनाए ला। इतना बहु है सब तो तोत्र मार हो जाएगा। बहु लोग से मांग ले, बेटा लोग से बोलते थे एक बात भी था। अच्छा ठीक ही बोल रहे हैं, आईफोन में। हाँ तू युग के मामा का पिटाई करबू। आय श्री है ना, आवाज की सो रहा है कितना आराम से। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ये, क्या ये कर रहा है बताओ, क्या कर रहा है। हाँ और तो फोटो खींच रहे हैं, मुंह बनाओ अच्छे से। ये कैसे मुंह बनाई है, ऐसे मुंह बनता है। अच्छे से भाई को बोलो खड़ा होने का। इधर आओ, तुम इधर आओ। अच्छे से रुको, फोटो खींचते हैं। खड़ा हो गई, ए जे सीधी खड़ा हो गई। हाँ तो लोग फोटो खींच रहा है। देखिए ना इसको, देखिए अपने आप फोटो। बोलो हेलो, कैसे हाथ सब बोलो। हाँ ठीक है, पूछो आप लोग का स्वागत है। बोलो बोलो आप लोग का वेलकम है। बोलो वेलकम है। हाय फ्लाइंग किस दे दो, फ्लाइंग किस दो, फ्लाइंग किस दो, ऐसे कर दो, अच्छा से करो। नमस्ते कर दो, नमस्ते नमस्ते करो, तुम भी नमस्ते करो। हाय कर, हाय फ्लाइंग किस दे रहे, फ्लाइंग किस दो, नमस्ते करो, नमस्ते कर दो, नमस्ते नमस्ते करो, नमस्ते करो। हाँ नमस्ते कर दी बाबू ना। अरे बा गुड बॉय, श्री नमस्ते कर रही है ना। बाल हटा लो आगे से, थोड़ा जुल्फी अपन हटावा तनी आगे से, जुल्फी है जुल्फी हटावा, तभी चेहरा दिखेगा। हाँ रुको रुको, वो देखो दो आदमी एक आदमी के ऊपर कैसे भारी पड़ा है। हाँ सुला दो भाई को, सुला दो, बाप रे सुला रहा है भाई को। हम लोग में बच्चा का कमी नहीं है, जितना एज का बच्चा चाहिए मिल जाएगा सब ना। हाँ काथी करो, हाय नमस्ते नमस्ते। वो तो बड़े को भाई हाय करेगा, भाई हाय टाटा। मछली जल की रानी सुना दो। नहीं, आज
चीजांती दादी है, जीवन उठा पानी है, हाथ दादी तो दादी, पानी में दादू दी तो बजाई, दादी तो चोरी तो छन जाएगी, छन जाएगी। तितली उड़ी सुनाओ तो, तितली उड़ी, बोला, हाँ तितली उड़ी सुनाओ। मीना तोड़े दादी, दादी अच्छा मेरे पास दीदी ताली 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 आ कान्हा जो भाई खेल रहा है, जो खेलो भाई के साथ नीचे खेलो, चल 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 जाओ 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 खेलो खेलो, तुम भी जाएगा जाओ। और तुम सुधर किया है सोफा पे कोयला नहीं तो सुस्तर मार के ठीक कर दे, जब आवेला मुद के चल जाला, जा तुम बच्ची हो, तुम बच्ची हो, आ? तुम बच्ची हो, बच्ची नहीं हो तुम, तुम दीदी हो, तुम दीदी हो दीदी, अरे तुम बच्चा है, तुम बच्चा है, इस लड़के को गौर से देखिए, पहचानते हैं ये गुमशुदा लड़का था, इस लड़के को गौर से देखिए, इस लड़का का शादी करना है, अगर कोई लड़की अच्छी मिले तो मेरे नंबर पर संपर्क कीजिएगा। उससे पहले इसी के नंबर पे है तो कह रहे तो के बनाओ तो नहीं बाबू के ये शादी करे लग भाई भाई से, तो इससे भी बड़े बड़े बहुत भैया लोग हैं, चार पांच छह बहुत भैया हैं अभी, हाँ कम से कम बहुत दुख का बात है, अभी बहुत टाइम है, 10 साल लग जाएगा, दुख का बात है, अभी बड़ी बड़ी दो दीदी है शादी करने लायक, एक इधर बैठी है दीदी, इस लड़की के लिए अगर कोई लड़का मिले तो जरूर बताइएगा, इस लड़की ये लड़की चेहरा दिखाओ, देखिए इतनी सुंदर है, सुंदर तो है, हाँ चेहरा सुंदर होने से नहीं आदमी का मन सुंदर होना चाहिए, तो मन सुंदर है, बहुत गुणवंती है लड़की एकदम, और बहुत हार्ड वर्किंग भी है, बहुत मेहनत करती है ना, बोलो गोलू जी के बारे में कुछ बताओ तभी ना, बोलो गोलू जी के बारे में, तुम गोलू जी तो बहुत अच्छी है, हाँ भाभी लोग को बहुत मारती है, बहुत मारती है, अरे बहुत मानती है, हाँ दिक्कत ही होगा, और आज बहुत स्टाइल मारी है, एकदम खजूर चोटी बनवाई है, एकदम कितना सुंदर है, देखिए देखिए देखिए, अगर आपको ये चोटी सीखना हो तो कमेंट कीजिएगा, आपको चोटी बांध के दिखाया जाएगा, हाँ चोटी बना के दिखाया जाएगा, हाँ क्या कर रही है तुम लोग, क्या कर रहे रे, नीचे क्यों बैठो है, नीचे क्यों बैठे हो है, बोलो बेटा है रही है चाय, यस पिंकी चाय बना रही है, और दे दिए बिस्किट, साथ में है मठरी, उसके बाद बनाया जाएगा कुछ स्पेशल ना चाट, तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, आप लोग को दिखाया जाएगा हम लोग मेहमान नवाजी कैसे करते हैं, और मेरा डाइट शुरू है तो देखिए मेरे लिए आया है यहाँ, क्या बोलते हैं इसको, डाब,
कहाँ चल रही है तुम? और चाहिए बिस्किट। गिरेगी कि नहीं, गिरेगी कि नहीं उस पर से? देखो हम अभी इससे बात करेंगे। भैया बुला रहा है, जाओ जाओ, भैया बुला रहा है, भैया बुला रहा है, भैया बुला रहा है, पकड़ो ये भगवान। तुम कूदेगी तो वो भी कूदेगा। कूदा कूदी नहीं, चाय रखा हुआ है। नहा ली क्या? अरे शाम को ओट्स नहीं नहाई है बाबू? हाई है? कब हाई है रे? कब हाई है? अरे झूठ मत बोलो, अभी से तो यहीं पे है। ओट्स खाएगी? ओट्स बाबू खाना खाएगी। तुम भाई खाना खाएगा, अब इसको रुलाओ मत। देखो थूक दे रहा तुम्हारे मुंह पे। बोलो कि सब डाल लिया एक ही बार में। बोलो उसके, बोलेगी तब ना खेलेगा। छुनछुना इसका तो छुनछुना था तो लेके चली जाती है, आती है खिलौना लेके भाग जाती है। हम लोग के घर का भी सारा खिलौना लेके कल दर्शन भैया का लेके गई थी ना, वो हॉर्स टिप टैप करने वाला, तो पुलिस आया था। हाँ ले जाएगा, ले जाएगा पकड़ के सीढ़ी को पुलिस। और यहाँ बन रहा है चाट। इंस्टेंट का इंस्टेंट चाट है, झटपट वाला चाट। पापड़ी बना के रखिए आप, कोई गेस्ट आए तो झटपट इस तरह से दही फेंट के, मीठा चटनी बना के, ग्रीन चटनी बना के रखिए घर में और झटपट इस तरह सर्व कर दीजिए चाट। ये देखिए मीठा चटनी बना हुआ है। ग्रीन चटनी चुका कर लू, डाल दा हमें। और आज हम अब आज दिन में खाने के लिए बनाए थे, ये देखिए ये क्या है बताइए तो। आज मैंने बनाया था इडली जवाइन डाल के, मेरा डाइट का खाना था। ग्रीन चटनी तो डाल दा। थोड़ा पानी मिला था, थोड़ा थोड़ा करके डाला। पानी मिला इतनी चटनियाँ खड़ा हो गई कि लगा। हाँ तो कहाँ मिले वो? पानीया मिला है, मतलब थोड़ा में मिला है। ना तो चलिए बना लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। और ये देखिए तैयार हो गया मेरा चाट। कैसा लग रहा है चाट जरूर कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लग रहा है कि नहीं। अच्छा तो तुम अपना नाम बताओ, कहाँ रहता है तुम? वॉक पे गया। वॉक पे गया था? नहीं तुम रहता कहाँ है? अरे यहाँ नहीं, तुम्हारा घर कहाँ है? इंडिया। इंडिया में? तो वो तो मालूम है, इंडिया में कहाँ है? मणिपुर।
अब मणिपुर में रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम क्या क्या फेरा ले रहे है, क्या फेरा ले रहे है दर्शन सिंह, फेरा ले रहे है क्या? नहीं। हाँ रुको, वृद्धि आ गई है, वृद्धि तीखा नहीं लगेगा उन लोग को, तीखा लगेगा, बिना तीखा वाला बना देंगे तो, बिना तीखा वाला खाएगी। राइम सुनाओ, राइम्स राइम सुनाओ, राइम सुनाओ, कैसा लग रहा चाट? अच्छा बना है? वाह, इस बार तो इस बार का दही बड़ा इतना टेस्टी बना था होली का, तुम लोग तो आई नहीं। हम लोग नहीं खाए। हाँ क्या? टिंकू आके खा के गए थे। नहीं दूसरा दिन आके खा के गए। दूसरा दिन बचा थे? हाँ बचा नहीं था क्या? तो बहू रानी लोग जा रहा है लोग, और बच्चे लोग भी बहुत परेशान कर दिए थे चलने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत दिन के बाद इन लोग इस तरह से आके बैठा था लोग, तो टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। बच्चे लोग रहते हैं बदमाशी वगैरह करते हैं तो बहुत, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, खास करके अगर बच्चे बच्चे रहते हैं तो, ऐसे भी बच्चे लोग आते रहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मन लग जाता है मेरा। और उन लोग के जाने के बाद में फिर मैंने शाम का दिया बत्ती किया, तो ये धूप बहुत अच्छा लगता है, इसको अगर जला दीजिए तो पूरा धुआं धुआं हो जाता है घर, और इसका सेंट इसका जो खुशबू है ना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पूरा घर आपका अपने 12 घंटा 24 घंटा तक एकदम पूरा महकते रहता है, बहुत ही ये इसका क्या बाहुबली बोलते हैं, 70-80 रुपया में एक पैकेट मिलता है, 12 ठू रहता है, तो शाम को जला दीजिए तो आपका बहुत ही अच्छा। और मेरा शाम का दिया बत्ती भी हो गया, यहाँ पे देखिए बाहर भी मैंने दिया बत्ती जला दिया है, शाम यहाँ बजरंगबली और तुलसी माँ है तो वहाँ पे भी शाम को रोज़ दिया जलता है, तो यहाँ भी दिया जला दिए हैं। और इसके बाद में यहाँ मम्मी पापा सास ससुर है तो वहाँ भी सुबह शाम दोनों टाइम मैं दिया जलाती हूँ, जब से इन लोग आए हैं तब से हमेशा नियम से ही हम लोग के यहाँ दिया जलता है यहाँ। और पता नहीं कोई कोई बोलता है नहीं जलाना चाहिए, कोई बोलता है जलाना चाहिए, तो मुझे कुछ पता नहीं, पर मैं जला देती हूँ, अच्छा लगता है इस तरह से। और पिंकी बना रही है अभी खीर, तो मेरे पास पर्पल कलर का चावल था, वो खीर के लिए ही आता है स्पेशली, तो वो खीर बना रही है पिंकी। तो आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो देख रहे हैं जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, इसी तरह मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करते रहूँगी, फैमिली ब्लॉग। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।